वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियन अलम्ब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 42 में देखेंगे आप। तो जो अभी तक हमने 41 में क्या पढ़ा था, जो इसमें जितने भी डेसिमल के नंबर थे सबका एडिशन, पर अब यहाँ 42 में क्या पढ़ेंगे, जितने भी डेसिमल के नंबर हैं सबका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसको पहले उसी फॉर्म में लिखना है 25.74 13.42। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको अगर सब्ट्रैक्शन हार्ड लग रहा हो तो लाइन ड्रॉ करके भी आप कटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। ऊपर कितना लिखा है 4, तो 4 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो आप 2 लाइन ड्रॉ कर ली, 2 लाइन उसमें से कट कर दीजिए। 1 एंड 2, कितना आपके पास बचा 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, सेम है 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा आंसर 3। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी करना है, कोई चेंजिंग नहीं है। 0.6.35 168.32, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा लिया। अब इसको आपको सेपरेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ करेंगे कितना आएगा आंसर 3, 3 में से 3 सेपरेट होकर 0 आएगा। फिर यहाँ पर छोटा नंबर है और नीचे क्या है उसका बड़ा नंबर है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये कैरी लेगा बगल से, इसको इसके पास भी नहीं ऑलरेडी, तो ये उसके बगल से लेगा, तो इसको कितना मिलेगा 10। पर ये 10 लेने के बाद एक रिवर्स कर देगा इधर, तो कितना बचेगा इसके पास 9, और यहाँ कितना होगा 10, तो ये कितना होगा मिला के 10 और 6 16। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 16, एंड यहाँ पे 9 ही बचेगा, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, एंड यहाँ पर कितना बचा 1 बचा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही करना है, ऊपर कितना है 4 दिया था, हम सबसे पहले कह देंगे कैरी देंगे, तो कैरी देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 8 आपके वजह सब्ट्रैक्ट करोगे 6, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, एंड 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और डिसेबल के नीचे डिसेबल लगा देंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में, अगर आप लेना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम है, यहाँ भी वही करना है। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, तो आप 0 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पुट करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। फिर ये कैरी लेगा तो इसके पास कितना आ जाएगा 14, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आए 6 आएगा, फिर यहाँ पर कितना बचा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आंसर 1, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63.431.83। ठीक है, अगर ऊपर कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ क्या लेंगे 0, माइनस लगा के सेपरेट करेंगे आप, यहाँ पर 0 ही कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा इसके पास 10, 10 में से 3 सेपरेट करेंगे 7, अब यहाँ पर कितना है 4 था, पर एक कैरी दे दी कितना बचा 3, अब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 पहले से 13 हो गया, 13 में से 8 सेपरेट करेंगे 5, देन आफ्टर यहाँ पर 2 बचा आपका, 2 में से 1 बचेगा, 2 में से अगर हम 1 निकाल दें तो 1 ही बचेगा, उसके बाद 6 में से 3 सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8.23.5.45 माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 13, कैरी देना पड़ेगा क्योंकि नीचे का नंबर बिगेस्ट है, तो 13 में से 5 सेपरेट करोगे आप आएगा आंसर 8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 1, फिर से कैरी देना पड़ेगा क्योंकि नीचे का नंबर बिगेस्ट है, में से 4 सेपरेट करेंगे कितना आएगा आंसर 7। यहाँ पॉइंट लगाएंगे डिसेंबर, यहाँ इसने इसमें से हमने कैरी लिया है तो यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 सेपरेट करेंगे आंसर आएगा 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब चलते हैं आगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम है, उसी तरह करना है आपको, कैरी लेना है, यहाँ बिगेस्ट नंबर है, ऊपर स्मॉलेस्ट है, तो हम एक कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 सेपरेट करेंगे 8 आएगा, फिर वहाँ यहाँ से कैरी ले चुके थे, यहाँ पर एक बचा, फिर कैरी लेना पड़ेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 4 सेपरेट करेंगे 7। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा है, ठीक, यहाँ पर 7,
अब अगर इसको कैरी लेना पड़ेगा तो एक कैरी लेंगे 17 हो गया, 17 में 9 सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 8, ठीक है 8 आएगा। अब यहाँ पर एक था वो भी हमने ले लिया उससे, तो वहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 78.03415। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ऊपर जो नंबर है उसमें कैरी लेना है, तो ये इसके पास भी कैरी नहीं, तो यहाँ से लेना पड़ेगा सेम वही प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, 13 में 5 आप सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 8, यहाँ पर 9 है, 9 में 6 सबट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 3, डिसम्बर में डिसम्बर लगा दिए, 8 में 1 सबट्रैक्ट करेंगे 7 में 4 सबट्रैक्ट करेंगे 3। आशा करता हूँ बताएगा क्वेश्चन समझ में आएंगे, अगर आपको लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, वरिंदा इज 1.48 मीटर टैल, एक लड़की है जो 1.48 मीटर वो क्या है लंबी है, ठीक है आफ्टर अ ईयर, एक ईयर के बाद हर हाइट बिकम 1.53 मीटर, मतलब एक ईयर के बाद उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई बड़ी, हाउ मैनी सेंटीमीटर डिड हर हाइट इंक्रीज ईयर, आपको बताना है कि जो उसकी हाइट इंक्रीज हुई है वो सेंटीमीटर में कितना हुई है, ठीक है हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, उसकी हाइट कितनी है प्रेजेंट टाइम 1.48 मीटर, ठीक है और उसका इंक्रीजिंग टाइम इंक्रीज कितना हुआ 1.53 मीटर, इंक्रीज होने के बाद इतना हो गया, ठीक है इंक्रीज होने एक ईयर के बाद इंक्रीज होने के बाद इतना हो गया, हम कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो ये जो फॉर्म्स हैं ये हमारे क्या बन जाएंगे 148 सेंटीमीटर एंड 153 सेंटीमीटर, ठीक है अभी आपसे क्या पूछा गया है जो वन ईयर के बाद हाइट बढ़ी है वो कितनी है वो सेंटीमीटर में आपको बताना है, ठीक है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, आपने डेसिमल में इसको डेसिमल से नंबर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक चेंज करने के बाद अब आपको फोकस करना है क्वेश्चन की तरफ पे, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि आफ्टर वन ईयर, ठीक है एक साल के बाद उसकी हाइट क्या होती है इंक्रीज होती है, तो कितनी इंक्रीज हुई सेंटीमीटर में वो आपको बताना है, तो यहाँ बिगेस्ट नंबर क्या है 153 सेंटीमीटर एंड स्मॉलेस्ट नंबर 148 सेंटीमीटर, अब इसमें क्या करोगे आप सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे 5, ठीक है ये सेंटीमीटर ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर कितना बचा 4, ठीक है यहाँ पर 4 में से 4 सबट्रैक्ट हुआ 0 एंड 1 में से 1 सबट्रैक्ट हुआ 0, तो आंसर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, ठीक है आशा करता हूँ बताएंगे सारे क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।